हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है defensegarden.com पे। और आज हम बात करेंगे सर्विस एंट्रीज के बारे में। देखिए, सर्विस एंट्री जो होती है वो स्पेशली सोल्जर्स के लिए होती है। इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए होती है ये, उनको एज ऑफिसर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी। हर किसी, नॉट ओनली इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों के सोल्जर्स ACC का एग्जाम दे सकते हैं। बट उनके लिए एक क्रेडिबिलिटी होती है कि हाँ भाई, उन्होंने 10+2 पास किया होना चाहिए। क्या 10+2 पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। और साथ साथ में एक और चीज़ की 2 साल की सर्विस मिनिमम चाहिए, यानी 2 साल की सर्विस मिनिमम। और जो एज क्राइटेरिया है वो 20-27 होना चाहिए, यानी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अकेडमी। ये मान के चलो जिस टाइम आप अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, यानी अकेडमी कौन सी होगी आपकी, IMA अकेडमी, जिसका नाम होता है IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो है कहाँ, देहरादून में। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये ACC है, ACC का जो पूरा ट्रेनिंग का टेन्योर होता है वो है 4 साल का। अब आप कहोगे सर 4 साल इतना लंबा क्या, ये किस चीज़ के लिए होता है। सेम जैसा NDA, NDA का कोर्स क्या रहता है कि हाँ, अगर आपने NDA से जाना है 3 साल NDA और आपका रहता है 1 साल IMA, ठीक। सेम आपका ACC में भी ऐसा ही होता है, बट इसमें क्या है, आपका डिवीज़न बना है। IMA के अंदर ही एक डिवीज़न बना हुआ है, IMA के अंदर ही एक डिवीज़न बना है जिसका नाम है क्या, ACC का। अभी उसका जो नया नाम, उसको रीब्रांडिंग कर दिया गया है, जिसका नाम है सियाचिन बटालियन कहते हैं इसको। क्या, सियाचिन बटालियन कहते हैं। वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, 3 साल तक इनकी ट्रेनिंग होती है प्रोबेशन में, यानी मान के चलिए आप एक अलग जगह पर, अलग विंग है इनके लिए, स्पेशली ACC विंग नाम रखा गया। और इसके बाद ये लोग मेन IMA में आ जाते हैं, जहाँ पे CDS वाले, NDA वाले आते हैं। सेम चीज़ देखिए, मान के चलिए जैसा NDA में होता है, सेम एस्पेक्ट ACC भी है, सेम एस्पेक्ट ACC है, बट यहाँ पे सिर्फ सर्विस कैडेट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ सर्विस कैडेट्स के लिए, और मिनिमम आपकी 2 साल की, मतलब आफ्टर कमीशनिंग की जॉब हो जानी चाहिए, आप ट्रेनिंग एक्सक्लूड करके मान के चलिए, ठीक है। अब एक चीज़ और फिर से बता देता हूँ, इसमें क्या रहता है, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ दोनों ही मिलते हैं ACC के अंदर आपको। सब्जेक्ट्स यानी जैसे NDA में है आपको साइंस और आर्ट्स दोनों मिलेंगे, यहाँ पे भी आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 3 साल ACC और 1 साल आपका IMA का रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इसके कमीशन के बारे में। आपको जो कमीशन मिलती है वो क्या मिलती है, वो मिलती है परमानेंट कमीशन, यानी आपकी ये जो कमीशन रहेगी वो अप टू 60 ईयर्स रहेगा। और ऑफिसर एंट्री तक आप अप टू द COS तक जा सकते हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा सकते हैं, अगर आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो प्रमोशन होते हैं वो काफ़ी स्लो रहते हैं इसमें। जैसे कि अभी आपको ACC का एक स्टूडेंट था जिसको COS, जो अभी बर्मा का COS रह चुका है। आपके जो ACC का नाम है काफ़ी, मतलब काफ़ी बार चेंज हुआ है, इसको किचनर, जैसे पहले इसका नाम किचनर इंस्टीट्यूट था, आफ्टर मतलब किचनर कॉलेज था, उसके बाद ये ACC बना, ACC के बाद ये OTI बना, फिर उसके बाद OTA मद्रास बना, फिर आफ्टर दैट इन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया कहाँ, IMA में, IMA के लिए ACC विंग रखा गया, फिर ACC विंग का नाम अभी मैंने जैसे आपको चेंज करके बोला ना, सियाचिन बटालियन रख दिया गया। सियाचिन बटालियन क्यों, देखो ACC वालों का अलग चीज़ क्या है, ACC में जो होते हैं वो सारे सोल्जर्स होते हैं, और उन लोगों ने सोल्जर्स की लाइफ देखी हुई है, तो उन लोगों से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हाँ भाई, ये बंदा सोल्जर्स की लाइफ को समझेगा, क्योंकि जब वो ऑफिसर बन जाएगा उसने संभालना किसको, सारे सोल्जर्स को संभालना है, और वो पहले खुद एक सोल्जर रह चुका है तो उसे सारे सोल्जर्स की प्रॉब्लम का पता है। हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोल्जर्स को हिंदी में ज़रा चीज़ें समझ में आती है। अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं ACC का पैटर्न क्या होता है। ACC में आपका एक एग्ज़ाम रहता है, आफ्टर इट उसके बाद SSB होती है, रिटर्न प्लस SSB, इसका प्रोसीजर है रिटर्न प्लस SSB। पहले रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, 4 एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और द 4 एग्ज़ाम्स आर देयर, 4 एग्ज़ाम। पहले होता है GMAT, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये काफ़ी सिंपल लेवल का रहता है। रीजनिंग में 75 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, 75 क्वेश्चन, ये रहती है आपकी वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपको नंबर्स, नंबर हो गए आपके, न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई, सॉरी अल्फाबेटिक सीरीज़ हो गई, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आता है। नॉन वर्बल में सारी इमेजेस वगैरह आएंगी, और न्यूमेरिकल्स में आपके ये सब आएंगे, एप्टीट्यूड वगैरह आपने साफ करना होगा। ये देखिए, अब ये मान के चलिए आपको इसके लिए 3 पार्ट्स हैं, इनका टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर्स, सबका आपको 2 आवर्स मिलेगा। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ रहता क्या है इसका।
आपको जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं कहीं पे ये लोग 3 आवर्स का प्रोबेशन भी कर देते हैं। इसे ये है जनरल अवेयरनेस का मान के, इसमें 150 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया तो कितने नंबर हो गए, 300 मार्क्स। इधर सेम, इधर 150, 130, 120, टोटल कितने 300 मार्क्स हो गए। यहाँ पे सेम आपका कॉमन इंग्लिश का एक पेपर आ जाता है। कॉमन इंग्लिश में क्या क्या होगा आपका, ये इंटरप्रिटेशन होगा और इसमें आपका पूरा क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएगा। दोनों मिला के ये एक एक नंबर के होते तो ये भी 300 नंबर का हो गया आपका, 300 क्वेश्चन 300 नंबर के। फिर से आगे आपका एकेडमिक कंटेंट टेस्ट, जिसमें मैथ्स होता है, जीएस होता है और ह्यूमैनिटीज, यानी आर्ट्स वगैरह जो ये पॉलिटीज वगैरह, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। जीएस में आपका जनरल साइंस से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन फिर से आ गए, 150 × 2, तो इसमें भी 300 नंबर का हो जाता है टोटली। देखिए काफ़ी ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बता चुका हूँ, उसको ब्रीफिंग के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पूरा ACC की, सिर्फ एग्जाम पैटर्न के सिलेबस के लिए। मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके आफ्टर दैट, ये रिटर्न एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद मेन चीज़ क्या होती है, इसका क्या रहता है, ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है और इसमें पोस्ट जो रहती हैं वो 75 के आसपास होते हैं। हर बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतनी ही पोस्ट दिखाते हैं, बट कभी लड़के ज़्यादा ले लिए जाते हैं, जैसे पिछली बार का वैसा 79 उसमें ले लिए थे और उससे पहले वाले में 64 लिए थे। ऊपर नीचे होता रहता है पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, कि जितने लड़के सेलेक्ट हो गए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट 2 साल में 2 बार आता है, इनकी मैंने बोला 75 जितने भी रिक्रूट हो गए सबकी SSB बोर्ड, जिन्होंने भी रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया, SSB बोर्ड सेम रहता है। आप लोग CDS एंट्रीज या फिर NDA एंट्री, कुछ भी इस टाइप की एंट्री होगी, उनके साथ आप लोगों को मर्ज नहीं किया जाएगा। आप लोगों का एक अलग बैच बनता है, जितने भी सर्विस कैडेट्स होते हैं उन लोग ले, यानी आप इंडियन नेवी में हो, इंडियन एयरफोर्स में हो या इंडियन आर्मी में भी हो, आप एज ए सोल्जर आपने 2 साल सर्व कर लिया, आप ACC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप लोग, ले साइट वही है joinindianarmy.nic.in, उस पर मिल जाएगा आपको, और इसके जो भी लिंक है फॉर्म भरने की वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और भी जितने भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हमने नीचे नोटिफिकेशन में दिया हुआ। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ACC एग्ज़ाम। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।